राज्यसभेत काल रात्री काँग्रेसच्या बाकाखाली नोटांची बंडल सापडली. राज्यसभा सभापतींनी आज सभागृहाला याबद्दल माहिती दिली. काँग्रेसच्या बाकाखालून नोटांची बंडल सापडली आणि त्यामुळे काल सभागृहाचं कामकाज स्थगित झाल्यानंतर तपासणीमध्ये ही नोटांची बंडल सापडल्याचं कळलंय. तपासणीदरम्यान सीट नंबर 222 खाली ही नोटांची बंडल सापडली होती. सीट क्रमांक 222 हा अभिषेक मनु सिंघवींचा असल्याची माहितीही कळली. सदनाच्या पावित्र्यावरती प्रश्न उपस्थित करणारी ही घटना आहे अशा पद्धतीचे उच्चार जेपी नड्डांनी त्यामुळे आज राज्यसभेमध्ये केलेले आहेत आणि यावरती बराच गदारोळ आज झाला. बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है. यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, यह सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है. मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा. लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं. किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है. हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं. मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो ए लॉयर. माननीय आज जीरो आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है सर. गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज, हमेशा उनको सुबुद्धि आए और जीरो आवर चले. लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है. और इसलिए विथ हेल्दी माइंड एंड विथ हेल्दी स्पिरिट वी शुड टेक इट एंड द इन्वेस्टिगेशन शुड कंटिन्यू और डिटेल आना चाहिए. साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी. महानिकाला दिवशी सर्वाधिक पाहिलेलं चॅनल